बढ़िया गीत के संकेत कैले हूँ, बड़ा बढ़िया ही भाव भी बा मास्टर साहब, वो तर्ज में ही भाव बा। अरे राम का भजनिया हो, राम का भजनिया, अरे राम का भजनिया हो, राम का भजनिया, जब ले जिया तब ले सिया, राम का भाव लिखत हूं हम बाबू, जरा गौर करेंगे। ए मानव तन मिला है तो क्या करना चाहिए, जौने समय बच्चा शिशु लोग सबकर बचपन रहल, जौने समय बच्चा अपने मतारी के गर्भ में रहेला तो उल्टा टंगल रहेला, ईश्वर से करार करता है दुनिया के मालिक, ए पति परमेश्वर इस गर्भ से इस नरक से आप हमको निकाल दीजिए, हम चलेंगे इस धरती पर तो आपका नाम लेंगे, बढ़िया कर्म करेंगे, पूजा पाठ भक्ति भजन करेंगे, लेकिन बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू जरा गौर करेंगे, जब बच्चा पैदा होता है तो दो आवाज आती है, जिस आवाज को आप सारे भाई लोग सुनते हैं लेकिन विचार बहुत कम लोग करते हैं, वही आवाज आती है क्या क्या क्या। अगर वो बच्चा क्या क्या की आवाज नहीं लगाया तो इसी समाज के लोग उस बच्चे को उल्टा लटका करके पीठ पर पीछे पीटते हैं, जबरी बुलवाते हैं कि बोलो, तो बच्चा बोलता है क्या क्या। इसलिए ए माया ठगिन अपने जाल में बझा लेती है, वो आवाज क्या रहती है क्या क्या की, आप लोग सोचते हैं बच्चा है रो रहा है लेकिन वो सीधे ईश्वर से बात कर रहा है कि कहा मैंने आपसे वादा किया था, ये सब झूठ है, माया ठगिन अपने जाल में बझा ले ले बाबू, जब जाल में माया ठगिन बझा ले ले तो इंसान करे लगा। कवि जी बड़ा बढ़िया भाव लिख रहे हैं, अरे गवनवा कचूनारी, गवनवा कचूनारी, गवनवा कचूनारी, गवनवा कचूनारी, धूमिल हो वधान चुनरी, कौन गवना, ई जो शादी बियाह होत बा लगन देख के ई गवना नहीं, उस रात का उस दिन का इंतजार करिए जब उस पति परमेश्वर का संदेशा आता है तो आपको जाना पड़ता है, आप हजार बहाना लगाएंगे लेकिन उस बहाने से आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है, जाना है, इसलिए कैसे जाना है, आजा। अरे भेजी है दुआरे जल्दी सैया तो हर डोलिया, भेजी है दुआरे जल्दी सैया तो हर डोलिया, भेजी है दुआरे
सुनी नहीं बोलिया संदेशा आया आपको जाना है ये तो तय है। दिन बा कि दुपहरिया बा कि रात बा कि सुबह बा ये कुछ पता ना बा। आ गया संदेशा आपकी आत्मा यहां से निकल कर चली जाएगी। छित जन पावक गगन समीरा पांच तत्व से रचित शरीरा। लोग कहला कि माटी का शरीर मटिये में मिल जाई। आत्मा तो निकल गई अभी शरीर रख जाई। अच्छा माई बाबू भाई बहन बड़ा प्यार कर लो लेकिन ए बाबू प्राण निकल गए शरीर से तुरंते ओके लाश के निकाल के लोग बहरे कह देला। आपस में लोग बात करेला कि फलाने बहुत कुछ बनौलन। चार गो गाड़ी बा पांच बीघा खेत बा पांच छह तल्ला मकान बा लेकिन नहीं आप कुछ नहीं बनाए हैं। अगर सिर्फ कुछ कमाए हैं तो पांच रुपया का अगरबत्ती पच्चीस रुपया जय रुपया का जो उन कफन मिले थो वो पच्चीस रुपया का एक कफन। अगर नहीं बनाए हैं तो भी आपको नहीं मिलेगा। पता चली गंगा जी में लाश एक बह जाती। हाँ लवारिस लाश बा बह के चल गई चील कौआ खा के खत्म कर दलन। उन चार लोगों को बना लीजिए जो आपको कंधा पर लेकर जाएंगे। कुछ बनाए हैं आप तो अपने करनी को अच्छा करिए। दीन दुखियों की सेवा करिए गरीबों की मदद करिए बेसहारा का सहारा बनिए। जिसके ऊपर वस्त्र नहीं उसको वस्त्र देने का काम करिए। नेक काम करेंगे तो मरने के बाद श्मशान घाट पर लोग लेकर जब जाते हैं ना तो आपस में बात करते फलाने इसे सूरती रगड़त रही है कहे फलाने बड़ा बढ़िया आदमी रहलन कबो केहू का दिल दुखौले ना। अगर गांव का दलित इंसान हुआ तो मरले के बाद लोग सुरती रगड़े तो ये श्मशान घटवे पर दस गारी दी है। सारे के दस साल पहले मर जाए के चाहत रहल। बहुत रद रहल। अगर चार साल ही पहले मर गल हो तो गांव का विकास हो गल हो। तो यही करनी है इसलिए कबीर जी लिखते हैं क्या बाजू बंद हथवा के कंगन तर तर के ठोकर खाई बन के कौवा चार
व्यक्ति आपको कंधे पर उठाएंगे, आपकी डोली, आपकी गाड़ी बतौली आप लोगों से कि बड़ी बढ़िया लग्जरी गाड़ी बा, चार गो ना दस गो गाड़ी बा, लेकिन आखिरी गाड़ी कौन बा? हरियर हरियर बांस का वो जोन डोली बने लेना, ये गजब का डोली बा। औकरे ऊपर से जो वस्त्र लोग उड़ाते हैं बड़ा कीमती, जो बनाता है वह बेचता है, और जो खरीदता है वो पहनता नहीं, और जो पहनता है वो देखता नहीं। जिसे आप लोग सौपट कफन कहिला, वह कफन उड़ा के चार गो कहार लेके चल देना श्मशान घाट पर। जब श्मशान घाट पर चल रही है तो आप लोग कहे ना कि यादव बस्ती, हरजन बस्ती, चौहान बस्ती, ये बस्ती ना बा, ये तो उजड़ती है। यहाँ से लोग चलते हैं तो बसते कहाँ, यहाँ से वापस कभी इस बस्ती में आते नहीं है, मेन बस्ती की तरफ चल रहे हैं। कैसे रोवत कला पत चली जय भूसा सुरैया, नगीना बहाना राजा जी के कचहरिया, वही दिन याद आई पियावा कचुनारी। जरा गौर करेंगे बाबू, सोचने वाली बात है। चार गो कहार आपको उठाते हैं और लेकर के श्मशान घाट पर चले जाते हैं, चाहे जोन भी धर्म हो, कुछ धर्म में आप लोग दफना देला, वो भी श्मशान घाट है। हमारे हिंदू धर्म में लाश के जलावल जला, ले जा करके जला देते हैं, नाम निशान खत्म हो जाता है, यादें रह जाती हैं। लेकिन आपकी आत्मा जो ऊपर गई है 13 दिन तक तो आपके आसपास ही भटकती है, 13 ही तक आपकी आत्मा आसपास भटकती है, देखती है जो शरीर में दो रोह होती है, जो देख पाता है लेकिन बोलने की क्षमता खत्म हो जाती है। कहीं ना कहीं आज भी माता जी के आत्मा ये परिवार में प्रवेश कैले बा, कहीं ना कहीं से वो आत्मा देखत बा, लेकिन उस आत्मा को हम लोग नहीं देख सकते हैं। आज 10वां दिन हिंदू धर्म में मनावल जला, 9वां दिन 10वां दिन जहां का जैसा रीत रिवाज होला, तो 10ए दिने बाबू सुबह में लोग राखी चालेला, तो कहाला कि शाम का राखी चाल के ओके ढक देबा, सुबह में नेताजी लोग रखिया के देखेला कि कौने चीज का निशान बा, निशान अगर कोनो खूर टाइप हो तो कहिए कि बाबू हमार जानवर के जन्म पौले, तनी से रेंगल बा तो कोनो कहिए जीव जंतु के जन्म पाए गेले, अगर ऐसा रही तो कहिए इंसान का जन्म पौले, चार गो ऐसा रही, दू गो ऐसा रही तो कहिए कोनो पक्ष पक्षी के पक्षी का जन्म पौले। अगर निशान ना बा तो लोग कहला कि फलाने के मुक्ति मिल गई, बैकुंठे चल गए, इनके स्वर्ग प्राप्त हो गए। तो देखिए जैसन कर्तव्य कमाई कैले रहबा, देखिए जब आपकी आत्मा जाती है ऊपर तो पति परमेश्वर दुनिया का मालिक हिसाब लेते हैं आपकी आत्मा से, अच्छा कर्म किए हैं तो आपको अच्छा स्थान मिलेगा, अगर बुरा कर्म कैले रहबा तो ये बाबू आपके आत्मा के कहीं बढ़िया स्थान ना मिले, आपको भेजेंगे इस मृत लोक में, आपको फिर जन्म मिलेगा लेकिन आपका जन्मों में बदल जाएगी, कहीं गधा का जन्म, कहीं बरधा का जन्म, कहीं बकरा का जन्म, कहीं करियवा कुत्ता हुई है, मर जाइए तो का हुई है, तो गधा उनका लिखल है। अच्छा
ई मर जाई है तना इनके नरकवे में जगह मिली ना इनके स्वर्गवे में जगह मिली। और गीत के आखिरी लाइन में कहना बा माली गुरगड़े सराम लाल आदि गुरु बिहारी चन बिकाला सूर्या चमक पूजा उजाला कब कबीर ताका धीर जाई सुधारी उजाला कब कबीर ताका धीर जाई सुधारी धूमिल हो वधानी ना भावना